दोस्तों स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे के दिन और कल मंडे के लिए, मंडे और आने वाले हफ्ते के लिए मैं आपको आईटी स्टॉक के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन लीजिए, पहले समझ लीजिए। देखिए चलिए मैं आपको लेके आया हूँ निफ्टी आईटी इंडेक्स के आपको चार्ट पे मैं लेके आया हूँ। डे टाइम फ्रेम का चार्ट रहेगा, हम यहाँ पर डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं और देखिए क्या हुआ है सिचुएशन। ये उस टाइम फ्रेम है फरवरी से मार्च अप्रैल के महीना के बीच में, जहां पर ये हैवी रेसिस्टेंट फील कर रहा था, ठीक है रेसिस्टेंट। उसके बाद इसके अंदर डाउनफॉल आया, ये हैमर कैंडल के साथ इन्होंने यहां पर सबको ट्रैप किया और यहां से फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अपसाइड पे गए। और कल के सत्र में जबरदस्त रैली के साथ में इन्होंने ब्रेकआउट दिया है इस लेवल को, ठीक है इस लेवल को इन्होंने ब्रेकआउट दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात कि निफ्टी आईटी सत्र में, निफ्टी के आईटी के इंडेक्स में कल ब्रेकआउट हुआ है फ्राइडे के दिन। और यही ब्रेकआउट का रीजन ये था कि निफ्टी आईटी इंडेक्स के हर स्टॉक, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इंफोसिस हो, एचसीएल हो, हिंदुस्तान टेक हो, महिंद्रा टेक हो, सब के सब दौड़े हैं। चाहे छोटी कंपनियां सोनाटा सॉफ्टवेयर हो, बिरला सॉफ्टवेयर हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो, या फिर और भी जो स्टॉक जानते हैं मस्टेक वगैरह, आईटी इंडेक्स की हर छोटी सी बड़ी कंपनियां दौड़ी है और आगे भी दौड़ेगी, क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक आया है और आने वाले हफ्ते में आईटी कंपनियों के रिजल्ट की भरमार लगेगी। तो आईटी कंपनी के कंपनियों पर नजर रख सकते हैं, स्विंग ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं किसमें अपॉर्चुनिटी है। बिरला सॉफ्ट को मैं यहाँ पर डे चार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, सिमिलर टू आईटी इंडेक्स यहाँ पर इन्होंने टॉप बनाया, गिरावट आई, पुल बैक आया, फिर यहाँ पर इन्होंने डबल अपना बॉटम बनाया 560 का, ठीक है ये हैमर कैंडल प्रीवियस। उसके बाद इस स्विंग हाई को निकाला, कंसोलिडेट किया यहाँ पर, और कल यानी कि फ्राइडे के दिन इनमें भी 732 रुपया का ब्रेकआउट हुआ। अब इसी के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, पहला टारगेट 800 का और दूसरा टारगेट ये ऑल टाइम हाई जो कि 880 रुपया का है, ठीक है फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट इसमें बना कर रख सकते हैं, आने वाले हफ्ते में ये आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है 200 डेज के नीचे का आप एसएल लगा लें, ठीक है 200 डेज का अपना एसएल लगा लें। तो पहला स्टॉक हो गया मेरा बिरला सॉफ्ट, दूसरा स्टॉक है मेरा सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये 5 मिनट का टाइम है, मैं इसको डे टाइम फ्रेम में कर लूं। देखिए डे टाइम फ्रेम में यहां पर इन्होंने भी टॉप बनाया अपना, उसके बाद से नीचे गिरावट आई और ये हैमर कैंडल के साथ इन्होंने यहाँ पर ट्रैप किया सेलर लोगों को, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर ही गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाते यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर था जो कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है, हमारा बाइंग स्टाइल है। अब इसी के नीचे का एसएल रख के इसके बीच में जहां पर भी मिले मैं इसमें खरीदारी कराए दूंगा, आपको ये अपना टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। पहला टारगेट इसी का यहां पर 760 का, 770 का, और सेकंड टारगेट 860 का ऑल टाइम हाई का, ठीक है। तो ये सेकंड टारगेट हो गया, ये हो गया फर्स्ट टारगेट। अब इसके नीचे का एसएल लगाकर सोनाटा सॉफ्टवेयर मेरा दूसरा स्टॉक हो गया, ठीक है जी। तीसरा स्टॉक मोस्टेक, थोड़ा सा नेट सोलो है, घबराइएगा मत, नेट सोलो है थोड़ा सा। देखिए सिमिलर सिचुएशन है मोस्टेक, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई के बाद रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आया और यहाँ पर देखिए एक बॉटम दो बॉटम, ये ट्रैप बॉटम बोलते हैं, ठीक है ना, इसको करके गया, नेकलाइन ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया और देखिए इसी के सत्र को फ्राइडे के दिन यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। तो इसी के ऊपर का आप पोजीशन बना सकते हैं, फर्स्ट टारगेट ऑल टाइम ये प्रीवियस स्विंग हाई को रख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो एसएल रख सकते हैं आप अपना, मेरा एसएल हमेशा 200 डेज के नीचे कराता है तो ये मेरा एसएल है, ठीक है मस्टेक। तीसरा स्टॉक मेरा हो गया मस्टेक, चौथा स्टॉक एचसीएल टेक,
देखिए सिमिलर सिचुएशन है, यहाँ पर बार बार असिस्टेंट फेस किया, नीचे आया, सबको ये हैमर कैंडल के साथ ट्रैप किया, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फ्राइडे के सत्र में ब्रेकआउट, यानी कि इस प्रीवियस को ब्रेकआउट किया है। अब इसी के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और 1700 का यानी कि प्रीवियस स्विंग हाई के पास लेके जा सकते हैं 200 डेज के नीचे का एसएल लगा के। ठीक है, जो चौथा स्टॉक मेरा हो गया एससीएल टेक, पांचवा स्टॉक मैं बता रहा हूँ विप्रो। इसमें भी डे टाइम फ्रेम पर देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो अच्छा खासा एकदम ब्रेकआउट ही दिया हुआ है। प्रीवियस स्विंग हाई था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था और एकदम डबल बॉटम पे ही आपको हैमर कैंडल के साथ यहाँ पर ट्रैप किया है, लोगों को लेकर गया है, प्रीवियस निकाला गया, ट्रैप यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट। अब इसी के ऊपर अपनी पोजिशन बनाकर लेके जा सकते हैं, इस स्विंग के नीचे का हाई का आप एसएल लगा सकते हैं। ये मेरा एसएल तो हमेशा 200 डेज के नीचे का ही होता है, तो विप्रो में नजर बनाकर रख सकते हैं, आने वाले हफ्ते में आपको अच्छी खासी इसमें कमाई का मौका मिल दे सकता है आईटी स्टॉक। छठा स्टॉक मेरा जो है वो है हैप्पीएस्ट माइंड, देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, इस लो के को रेस्पेक्ट कर रहा है, इस लो को, ट्रेंड लाइन को, तो इसी के नीचे का आप अपना रख के इसके ऊपर, इस कंसोलिडेशन के ऊपर जैसे निकाले आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। 920 के फर्स्ट टारगेट को, 920 से लेकर 940 के फर्स्ट टारगेट को लेकर और इसके नीचे का एसएल रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। दोस्तों ये वीडियो, ये स्टॉक सिलेक्शन, ये इंफॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।